आप इस बात को समझिए कि जिस व्यक्ति ने आज तक कभी भी मर्यादा न तोड़ी हो, उस व्यक्ति के बारे में वो एक बार आकर के कहते हैं कि कौन है, और एक बार आकर के कहते हैं कि कुंडी बंद करवाएंगे। उन्होंने एकदम सही कहा है कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि कुंडा की कुंडी बंद कर दे। और राजा भैया एक दिन यहाँ के सीएम बनेंगे यूपी के। हाँ, ये भी आप बनेंगे। नहीं बंद होगी यहाँ, माननीय राजा भैया जी सभी सर्व समाज के सम्मान के लिए लड़ाई करते हैं और हमेशा जनता उनके साथ रही है और रहेगी। बिल्कुल, राजा भैया ने जो भी कहा वो एकदम सटीक कहा, और ये वाकई में कुंडा में किसी की दम नहीं है, और ये जितना भी आप देख रहे हैं ये हमारे राजा भैया का प्यार है। हाँ। इसमें कोई पेट कार्यकर्ता नहीं है। महिला पहले ने उनको हरा दिया, राजा सपा की नहीं आएगी हमारे यहाँ, को हराने वाले नहीं, कोई नहीं। बातचीत करने की शैली बदलनी होगी। जनता भी इसी कुंडा में है जिसको कुंडी बनाने की बात कर रहे हैं अखिलेश जी। तो तौर तरीका बदले, जनता की उम्र देखिए किस हिसाब से हमारे यहाँ जनता एकत्रित हुई है। उनकी भाषा की गरिमा जो ये खराब होती जा रही है दिन ब दिन, इससे जनसत्ता में लोग लगातार और जुड़ते जा रहे हैं। गुलशन के लिए डॉन बनाऊं, गुलशन के लिए डॉन, गुलशन के लिए। तो 10 के बाद क्या होगा? 10 के बाद बर्बाद हो जाएंगे वो। नहीं नहीं, कुंडी उनकी बंद हो जाएगी। और को 10 को क्या होगा? 10 को राजा भैया 1.5 लाख पार। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है, मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय राजा भैया अपनी एक जनसभा संबोधित करके जा रहे हैं, लेकिन इस जनसभा में उन्होंने बड़ी बात कह दी है। अखिलेश यादव आए थे और कुंडा की कुंडी बंद करने की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर राजा भैया ने सीधा सीधा जवाब दे दिया है और कहा कि कुंडा की कुंडी बंद, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो कुंडा की कुंडी बंद कर सके। हमारे साथ जनता कार्यकर्ता है और खास करके लोग भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आज जहां जनसभा राजा भैया ने किया वहां भारी पैमाने पे कैमरामैन स्कैन दिखा दें, लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा है और राजा भैया का काफिला निकल रहा है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं राजा भैया के इस बयान के बाद, और 10 मार्च को क्या होगा? 1.5 लाख पार होगा या फिर जो अखिलेश यादव ने कहा था कुंडा का कुंडी बंद होगा? जी, क्या लग रहा है भैया? अखिलेश ने कल कहा कुंडा की कुंडी बंद करेंगे, आज राजा भैया ने उसी जगह से कहा कि किसी माई के लाल में दम नहीं है, इसे आप कैसे देखते हैं? 11 मार्च को वो अपनी कुंडी बंद कर लें स्वयं और चले जाएं जहां जाना हो। और सबसे बड़ी बात कि इतने ये स्तर के जो नेता हैं, जो उनको लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, मैं तो उन्हें एक विधानसभा स्तर का भी नेता नहीं मान रहा। असभ्यता, अनुशासनहीनता, सारी चीजें उनमें भर रखी हैं और वैसे ही उनके प्रत्याशियों में भर रखी हैं। आप इस बात को समझिए कि जिस व्यक्ति ने आज तक कभी भी मर्यादा ना तोड़ी हो, उस व्यक्ति के बारे में वो एक बार आकर के कहते हैं कि कौन है, और एक बार आकर के कहते हैं कि कुंडी बंद करवाएंगे। उन्होंने एकदम सही कहा है कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि कुंडा की कुंडी बंद कर दे, और वो अपनी बंद कर ले, ये बढ़िया है। कुछ भी बोल देना, 10 को क्या होगा? 1.5 लाख पार या फिर क्या? 1.5 लाख पार होगा और उससे भी ज्यादा होगा, आप मानिए। वो एक बात उनको समझिए, वो असभ्य ना बने और ना ही अपने लोगों को असभ्य बनाए। समय है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हद में रह करके चुनाव लड़ा जाता है। क्या लग रहा भैया, 1.5 लाख पार होगा या 10 को क्या होगा? 1.5 लाख पार होगा। अखिलेश ने कहा था कुंडी बंद कर देंगे राजा भैया, जी जी कुंडी बंद कर जी बॉस। राजा भैया ने जो कहा है, 10 जवाब दिया है, अखिलेश के कुंडा कुंडी पे ललकारा, उसे क्या कैसे देखते हैं? बातचीत करने की शैली बदलनी होगी। जनता भी इसी कुंडा में है जिसको कुंडी बनाने की बात कर रहे हैं अखिलेश जी। तो तौर तरीका बदले, जनता की उम्र देखिए किस हिसाब से हमारे यहाँ जनता एकत्रित हुई है। उनकी भाषा की गरिमा जो ये खराब होती जा रही है दिन ब दिन, इससे जनसत्ता में लोग लगातार और जुड़ते जा रहे हैं। चार जनसत्ता में लोग जुड़ रहे हैं पूरी तरह से। अखिलेश के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि जनसत्ता का फायदा हो रहा है। जी, क्या लग रहा है भैया, जो कुंडा की कुंडी बंद करने अखिलेश कहे थे और अब उसका जवाब दिया राजा भैया ने, कहा किसी माई के लाल में दम नहीं। जी बिल्कुल, राजा भैया ने जो भी कहा वो एकदम सटीक कहा, और ये वाकई में कुंडा में किसी की दम नहीं है, और ये जितना भी आप देख रहे हैं ये हमारे राजा भैया का प्यार है। इसमें कोई पेट कार्यकर्ता नहीं है, और जितने भी आते हैं ये सब कुंडा, ये राजा, ये किराए पे बुलाए नहीं गए हैं, ये राजा भैया का प्यार है, और ये उनकी मोहब्बत है कि इतने लोग, इतनी भीड़ जो देख रहे हैं, ये उनके प्यार की बदौलत है। और राजा भैया ने, हमारे राजा भैया ने आज तक शुरू से जब से राजनीति की है आज तक मंच की मर्यादा नहीं तोड़ी है। मर्यादा तोड़ने के क्या लग रहा है? राजा भैया को सुना आपने? हाँ जी। क्या लग रहा है, अखिलेश ने कहा था कुंडी बंद कर देंगे, राजा भैया ने जवाब दिया? ऐसा भविष्य नहीं हो सकता है, भविष्य में नहीं हो सकता। राजा भैया ने जवाब दिया है, क्या जवाब दिया? कैसा लगा? कि भविष्य में नहीं कर सकते। क्या लग रहा है आपने राजा भैया? हाँ, राजा भैया की बात सुना हमने भाई। हाँ, राजा भैया जो बोले बहुत बढ़िया बोले। अखिलेश को जवाब दिया? हाँ, बहुत बढ़िया जवाब दिया। क्यों? हाँ। कि उनका खानदान कुंडी नहीं बंद कर सकता, वो क्या बंद करेंगे? कुंडी नहीं बंद कर सकते, नहीं कत ही नहीं, कुंडी उनकी बंद हो जाएगी। अखिलेश को 10 को क्या होगा? 10 को राजा भैया 1.5 लाख पार। 1.5 लाख पार बिल्कुल, यहाँ किराया नहीं है, कुंडा विधानसभा। अखिलेश की रैली, यहाँ जितने लोग हैं कुंडा विधानसभा के लोग सब आए हैं, यहाँ बाहर से किराए के टट्टू नहीं आए। जी क्या करें, चुनाव सभ्यता और मर्यादा और संस्कार में लड़ा जाता है, और राजा भैया हमारे इसका पालन सदैव करते आए हैं,
और कैंडिडेट जो अदर कैंडिडेट है वो देखें, समझें और वो हमारे राजा भैया से अपना तुलना करें। जी क्या लग रहा है कि राजा भैया ने ललकारा, कहा कि 10 मार्च के बाद पता चलेगा किसका कौन कुंडी बंद करता है। इस बार अखिलेश यादव की गलत फहमी दूर हो जाएगी कुंडा से, और 1.5 लाख का नारा जो जनता ने दिया है उस पर खड़ा उतरेगी जनता, इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। देखते हैं इस बार ये दोबारा मन नहीं बनाएगी कुंडा में आने का। कुंडी नहीं बंद होगी, यहाँ माननीय राजा भैया जी सभी सर्व समाज के सम्मान के लिए लड़ाई करते हैं और हमेशा जनता उनके साथ रही है और रहेगी। राजा भैया ने कहा कि जो ये सब बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मन से ठीक नहीं होता। देखिए वो अपने असभ्य भाषा का जो प्रयोग किया कुंडा में आके, जनता उसका जवाब देगी और जनता पूरी तरह तैयार है। जी जनता तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मंच पर अभी भी राजा भैया बोले हैं, किसी भी पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोले हैं। और रही बात पार्टी की, तो हारी तब हारी, बाकी सब दल हारी। अखिलेश ने कहा कुंडी बंद कर देंगे, यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ कुंडा से जमानत जब्त हो जाएगी। माननीय रघुराज प्रताप सिंह का इलाका है। राजा भैया ने कहा कि 10 मार्च के बाद बताएंगे क्या होगा। रघुराज प्रताप सिंह जानते हैं कि मैं 10 मार्च के बाद झंडा मेरा लहरा रहा है, यहाँ से माननीय अखिलेश जी हार जाएंगे। हार जाएंगे 100% पूरी तरीके से। झंडा देखा था राजा उदय प्रताप सिंह का। ठीक, क्या नाम है? दान बहादुर पटेल, और प्रतापगढ़ का हूँ, प्रतापगढ़ के जिले का, राजा भैया के जिले में हूँ। राजा भैया के अखिलेश ने कहा तो कुंडी बंद कर देंगे। अरे यार जिंदा है तू, जिंदा था राजा भैया ने राजा भैया हरा वाला कोई मार्ग नहीं ना राजा के, और राजा के यहाँ अखिलेश तो। चलिए युवा है, आप क्या लग रहा है कि आपने सुना? आपकी बार 1.5 लाख पार कुंडा से, 1.5 लाख पार, 1.5 लाख पार होगा। आओ कहा कुंडी की बात है, अखिलेश जी को बोल दीजिए कि वो देखे। हाँ जी सुनिश्चित हो गई। काका आप गाली मत दीजिए, बताइए क्या। मैं गाली ना राजा के दिया ना अखिलेश को दिया, क्योंकि गाली नहीं क्लियर है। सपा की सरकार नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। सपा है यहाँ पे, सपा है भाई, पड़ेगा भाई। राजा भैया अखिलेश कल आए थे यही भाषा में, उन्होंने कहा कुंडी बंद कर देंगे आज। राजा भैया कुंडी खुद बंद हो गई है, उनके कोई के माईलाल पहले ने उनको हरा दिया। राजा भैया सरकार राजा सपा की नहीं आएगी हमारे यहाँ, या कोई हराने वाले नहीं, कोई नहीं। राजा भगवान है, देवता है, बाहर के आदमी। क्या लग रहा था अखिलेश आए कहे कुंडी बंद कर देंगे? अरे उनके एक कौन के लिए भैया, यहाँ राजा भैया जिंदाबाद। हाँ राजा भैया जिंदाबाद। राजा भैया ने कहा कि जो ऐसा नहीं हो सकता, और उन्होंने एक तरीके से उन्होंने चेतावनी भी दे दी है। छठे साठम समाचारे, क्या कहेंगे? वही होगा जो राजा भैया ने कहा है। हाँ दुष्ट के साथ दुष्ट, हाँ दुष्ट के साथ छुऊंगा भैया, छुऊंगा धरती और कुंडा के राजा आएंगे। आएंगे देखिए, चुनाव किसी को टक्कर के लिए नहीं, अपने आप में है कि हमें मतलब संकल्प लिया है कि अगली बार 1 लाख पार किया जाए, 1.5 लाख पार होगा। हमने है नहीं चुनाव लड़ने, कुंडी कर रहे हैं कुंडी, कुंडा जो कहते हैं सब बरसाती मेंढक हैं यार, यहाँ आते हैं चिल्ला के भौंक के चले जाते हैं। आज इसका विरोध वो कर रहे हैं, उसी पेड़ के जो है फल है ये निकल के जो है बाहर विरोध कर रहे हैं। क्या लग रहा है? राजा भैया ने ललका रहे हैं, सब सम्मत से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी बाबागंज और कुंडा विधानसभा की जनता उनके साथ है। राजा भैया 3 लाख वोटों से जीतेंगे, भले भी लोग 1.5 लाख बोल रहे हैं, ये हमारा पूरा उम्मीद है, उम्मीद है। राजा अखिलेश कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजा भैया 3 लाख कुंडी जो बंद, अखिलेश की कुंडी बंद होगी, सपा की कुंडी बंद होगी, गुलशनवा की कुंडी बंद होगी। राजा भैया ने कहा राजा भैया एक नंबर आदमी है, राजा भैया 3 लाख वोटों से आपकी बात जीतेंगे। हाँ पूरा उम्मीद है, राजा भैया एक दिन यहाँ के सीएम बनेंगे यूपी के। हाँ ये भी आप बनेंगे ब्राह्मण का वाक्य है। राजा क्या नाम? क्या नाम? रामकृष्ण मिश्रा। तो बनने बनेंगे, हाँ एक दिन बनेंगे राजा भैया सिंह। कुंडा बाबागंज दोनों निकल रही है। हाँ बिल्कुल। क्या नाम भैया? अजय सिंह। कहाँ से आए हो? यहीं से कुटिला। कल अखिलेश वाले भी गए थे रैली में, आहिर आहिर के ठाकुर नहीं जाते हैं। हम राजा भैया के आदमी है, हमारा नाम अज्जू सिंह डॉन है, हमारा नाम अज्जू सिंह डॉन है। मैं राजा भैया का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। आपकी बार राजा भैया डॉन बना हूँ गुलशन के लिए। हाँ गुलशन के लिए डॉन बना हूँ, गुलशन के लिए। हाँ गुलशन के लिए। तो 10 के बाद क्या होगा? 10 के बाद बर्बाद हो जाएंगे। हाँ बर्बाद हो जाएंगे। घर में कुंडी, चाचा जी आप आ जाइए। चलिए चलिए, हटिए हटिए। कुंडी
कुंडी कहाँ लगेगी आज ही चाचा आपकी? अखिलेश और रोशन के घर में लगेगी। कुंडी कहाँ लगेगी? कुंडी कहाँ लगेगी भाई बताइए? लाख बारिश बार जीतेंगे, यहाँ कोई उनको हरा नहीं पाएगा, कोई नहीं, चाहे जो आए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी आए या कोई भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री कोई भी आए, यहाँ राजा भैया 1.5 लाख पार से जीतेंगे। भाई ना हम लोग का ट्रेन नहीं ना चाहिए, राजा जीत रहे हैं 1.5 लाख वोटों से, पार जीत रहे हैं। अखिलेश की अखिलेश बाहर हैं भैया, यहाँ भीड़ सिर्फ रही तो 2-4 हजार अपने लोकल रहे ने, वो आधा दे वाले आधा न दे वाले, सब लोकल हैं, इसमें सब लोकल, उसमें सब बाहरी, सब बाहरी भैया, यूपी 72 सब नंबर, इसमें सब लोकल। राजा भैया भाषण सुना आपने? हाँ सुना है, 10 तारीख के बाद हम लोग बताएंगे क्रांति आएगी सर। नहीं क्रांति नहीं आएगी, हम लोग बताएंगे 10 तारीख के बाद, ये बोला है। ये चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में लोगों का जो हुजूम के बाद जीत का अंतर बताएगा कि क्या है, मतलब राजा भैया बोलना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कुंडा की कुंडी जो बात थी, आपने जनता जनार्दन की राय सुनी, अब आप अपने सुझाव देना न भूले। इस वीडियो में इतना ही।